सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईशा पटेल और स्वागत है आपका मेरी चैनल HP मोटिवेशनल 13 पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि माँ बाप के कर्मों का फल बच्चों को क्यों भोगना पड़ता है। हिंदू धर्म में सबसे पहले माता पिता के आशीर्वाद से ही सुबह की शुरुआत की जाती है। उन्हीं की कृपा से सुख समृद्धि व धन धान्य की प्राप्ति होती है। माँ बाप के कर्म प्रबल होते हैं और बच्चों के लिए उनकी छत्रछाया जीवन के अंत तक बनी रहती है। दोस्तों, दूसरी तरफ देखा जाए तो ये एक सत्य बात है कि माँ बाप के किए हुए कर्मों का फल बच्चों को भोगना ही पड़ता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। ये बात को जीवन में समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, माँ बाप के साथ हमारे जीवन का सबसे बड़ा संबंध होता है और उनके किए हुए कर्मों द्वारा बच्चों का जीवन चलता है। बच्चों के जीवन पर असर पड़ता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा, संस्कार, स्वस्थ वातावरण, धन दौलत, शांति प्रदान करने के लिए माँ बाप जीवन भर परिश्रम करते हैं। ये बात हमें अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि एक माँ बाप ही है जो बच्चों को उत्पादन से लेकर उनके विकास तक सब कुछ करते रहते हैं। अपने संतान के भविष्य के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात ये भी है कि अगर माँ बाप ने अच्छे कर्म नहीं किए होंगे तो उनके बच्चों को उनकी गलतियों का भुगतान करना ही पड़ता है। अगर माँ बाप ईमानदार हैं तो उनके बच्चे भी निष्ठावान और ईमानदार ही बनेंगे। अगर माँ बाप अमानवीय और अधर्मी हैं तो उनके बच्चे भी उनकी तरह नीच बनेंगे। माता पिता अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देते हैं और धर्म का ज्ञान देते हैं तो उनके बच्चे भी संस्कारी और संवेदनशील जरूर बनते हैं। ऐसे बच्चों को अच्छे जीवन जीने के लिए सफलता मिलती है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर माता पिता बच्चों को गलत संस्कार देते हैं और धर्म के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं देते हैं तो ऐसे में बच्चे विद्रोही और नकारात्मकता की ओर ज़्यादा भागते रहते हैं। और ऐसे बच्चे हैं जो जीवन में सुख और समृद्धि की कमी महसूस करते हैं। माँ बाप अगर संयमित हैं, सम्मोहक हैं और सभ्यता से परिपूर्ण हैं तो उनके बच्चे भी उनकी तरह गुणों से परिपूर्ण रहते हैं। ऐसे बच्चे में संघर्ष करने की क्षमता ज़्यादा होती है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि माँ बाप के कर्मों का फल बच्चों को भोगना पड़ता है।